माली कौन व्रत रखेगा यार। सारा भाई जोगिंदर की सेल, रोपड़ का चप्पल चोर आती है भाई, फ्री लगाती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जगाओ सारे जोत और वही कल है करवा चौथ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, मैं मोहन सिंह और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर बॉय एएसआर। तो भाई करवा चौथ है, जैसे कि आप सबको पता ही है, कल तो भाई बाजार के अंदर चलते हैं, बहुत सुंदर सजा रखा है। एक तो भाई सारे फेस्टिवल एक लाइन से आ गए हैं और भाई बहुत सारे जैसे कि आपको पता है त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, भाई दिवाली भी आ रही है, तो कल करवा चौथ है, तो बाजार के अंदर देखते हैं क्या क्या रौनक लगी है। तो लास्ट तक ऐसे ही देखते रहिए। तो मेरे साथ प्रिंस रावत भी आ चुका है, तो आपको पता ही है जैसे कोई फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो या कोई भी ओकेजन होता है, तो उसको कैसी मिठास आती है उसके अंदर मिठास आएगी जब मिठाइयाँ होंगी। तो वैसे देखो पीछे सारी मिठाइयाँ लगी हुई हैं काफी ज्यादा देखो, और भाई रश लग रहा है पूरा बाजार के अंदर। लेके जाएंगे आपको और सारा दिखाएंगे जहाँ मेहंदियाँ लग रही हैं, करवा चौथ किस लिए मनाया जाता है, लोगों से पूछेंगे, ठीक है, तो आपको सारा रिव्यू दिखाएंगे। तो लास्ट तक ऐसे देखते रहिए। मेरे साथ यहाँ पे विवेक मेहंदी वाले जी, ठीक है, ये मेहंदी लगाते हैं रोपड़ के अंदर। तो मतलब सेल कैसी चल रही, बढ़िया चल रही है एकदम, बन रखे माहौल पूरा मेहंदी का है। सुबह कम था, सुबह फिर बहुत कम, अच्छा जी, उसके बाद में थोड़ी सी बढ़ी है, अच्छा, लेकिन पिछले साल की जैसे नहीं है। अच्छा पिछले साल की तरह रौनक नहीं है। तो भाई लोगों ने क्या करवा चौथ के व्रत रखने कम कर दिए क्या? अब ये तो नहीं को पता होगा, पैसे कम हो गए, पैसे कम हो गए, मतलब भैया कह रहे हैं कि भैया की जेब में माया कम आ रही है। तो भाई माया जाल ऐसा डालो कि भैया जी पूरी भर के लेके जाए, ठीक है, अगले करवा चौथ में। तो चलते बाजार के अंदर, करते हैं यहाँ पे सोनू बेगड़ा जी, ठीक है। और भाई जैसे कि आप सबको पता है, जैसे मैंने रामलीला आप सबको दिखाई थी, तो राम जी बने थे भाई हमारे सोनू बेगड़ा जी, इन्होंने बहुत बढ़िया रोल करा उसमें। जिन्होंने भी नहीं देखा तो पिछले वाले सारे ब्लॉग देना। तो आज भी इनकी अंदर स्टॉल लगी, देखते हैं अंदर कैसी कैसी मेहंदी लग रही है। और वहाँ पे देखो सारे मेहंदी का सेटअप चल रहा है, देखते हैं हम यहाँ पे डिजाइन कहाँ का। ये देखो पूरा हैंड एक बार अपना दिखा दिए हैंड, ये देखो बहुत प्यारी मेहंदी लगा रखी है। तो जैसे कि आपको पता है यार करवा चौथ एक एक साल में आता रहता है, तो भाई मेहंदी है ना, जैसे मेहंदी क्या है कि प्यार है भाई, जिसकी मेहंदी ज्यादा चढ़गी मतलब कहते हैं उनका प्यार ज्यादा होता है कि नहीं है? अच्छा तो भाई हम यहाँ पे, ये बच्चा कह रहा था मेरी मेहंदी लगानी है, तो इसके भी जरूर हम मेहंदी लगवाएंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और यहाँ पे एक ना मेहंदी की कीप थी, ठीक है, ये वाली कौन सी कीप थी, ग्रीन चिल्ली। तो भाई मिनट में जिनको ज्यादा अच्छा, जल्दी हो, जिनको ज्यादा जल्दी है भाई वो ये वाली कीप लो भाई। कितना टाइम लेते हैं ये वाली कीप? दो मिनट में जितनी जल्दी मैगी तैयार होती है उतनी जल्दी मेहंदी लग जाएगी है। वाह जी वाह, तो भाई बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम सीधा बाजार के अंदर की तरफ, को अंदर दिखाते हैं आपको कितना ज्यादा रश है। तो बीच में किसी ने स्किप नहीं करना, कितनी बार बोल दिया, तो लास्ट तक ऐसे ही देखते रहिए। नहीं देखा जा रहा यार। हमारे अंकल जी है, ठीक है, इनके देखो यहाँ पे नारियल सदा बहार के नाम से शॉप है। भाई अंकल आपको कितने साल हो गए यहाँ पे नारियल बेचते? 40-45 साल हो गए भाई। मैं काफी टाइम से देखता हूँ अंकल के जो नारियल होते हैं बिल्कुल फ्रेश, आप देख ही सकते हो पूरी ग्रीननेस की तरह। और जो करवा चौथ के जैसे कि आपको पता है नारियल का तो बहुत बड़ा रोल है, तो कितने मतलब बिक रहे हैं, सेल हो रही है बढ़िया इस बार? बस ठीक ठाक जी हो रही है। अच्छा 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 जी, वो देखो अंकल कितनी तेज तेज भाई करने लग रखे, और यहाँ पे वाह जी वाह, तो भाई बहुत सुंदर सजा रखा। तो मैं आप सबको यही प्रेफर करूंगा अंकल के, ठीक है, नारियल लेके जाओ बहुत बढ़िया फ्रेश है। और अब चलते हैं सीधा अंदर की तरफ को भाई, पे अंकल ने हमें दिया है नारियल, ठीक है, हम टेस्ट करते हैं भाई, बिल्कुल देखो स्वाद। और भाई जी वाह अंकल, ये कहाँ से लेके आते हैं नारियल आप इतने मीठे? ऐसे मंगाते हैं, दिल्ली से मंगाते हैं, भारत की मेरा। अच्छा डेली आता है माल पूरा? हाँ जी, फ्रेश बिल्कुल ताजे ताजा। बहुत बढ़िया जी, चलो ठीक है अंकल, थैंक यू जी। हाँ जी बहुत। तो भाई जैसे कि आपने पिछले साल वाला ब्लॉग देखा होगा, यो भाई थारा भाई जोगिंदर, एक भाई भाई अपना नाम बता दो, क्या नाम था? अरमान भाई ने जैसे कि आपको पता है पिछले साल वाले ब्लॉग में थारा भाई जोगिंदर एक बार करके दिखा दो, थारा भाई जोगिंदर की सेल, जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, ये भाई ऐसे 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 भाई, इतना अच्छा सामान मिलेगा किसी ने सोची ना होगी। तो भाई जोगिंदर की सेल, थारा भाई जोगिंदर ये। तो भाई भैया की शॉप है, ठीक है, मार्केट के अंदर देखो बहुत बढ़िया बढ़िया 10 रुपए से लेके 300 रुपए तक का सामान है, 10-20-30 जो मर्जी है लेके जाओ। और चलते हैं, यो भाई थारा भाई जोगिंदर नहीं हटेगा ब्लॉग बनाने से, तो चलते हैं ऐसे देखते रहिए। पटनागर जी है, देखो कितने बढ़िया बढ़िया मिठाइयां भाई, इनकी रोपड़ की बहुत फेमस मिठाई एकदम प्योर होते हैं, यहाँ पे रश लग चुका है। जैसे कि आपको पता है मिठाइयों के बिना तो कोई भी चीज है ना जो पॉसिबल नहीं है, तो मिठास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कितने सुंदर सुंदर मिठाइयां यहाँ। देखो भाई छन्नी गड़बी, और देखो कितने सारी चूड़ियां पड़ी है, ठीक है भाई। और ये देखो बस छन्नी ली और फिर देखा अपने पति की फोटो और हो गया भाई करवा चौथ खत्म। और हमारे कौन व्रत रखेगा यार, तो भाई हमारे कोई नहीं रखता व्रत। चलते हैं, देखो बहुत ज्यादा क्राउड हो रखा बाजार के अंदर भाई, चलते आगे। प्रिंस
और प्रिंस ये मेरा पूरा साथ देते हुए शानदार तरीके से ताजे ताजे भटूरे तैयार करे जा रहे हैं, क्योंकि भाई भाई देखो आप देखो मेहंदी लग जाएगी ना एक बार जब भी है कि नहीं हाथों पे, तो खाना कौन बनाएगा, तो खाना तो सारा बाहर से ही आने वाला है आज, जैसे कि रेस्टोरेंट से ऑर्डर होगा सारा खाना, ठीक है। और भाई जितने भी मजे अब आज मेरे घर में भी खाना है जो बाहर से ही आ रहा है सारा। और बेटा चला जा तो भाई अब देखो एक ही दिन होता है मम्मी और को है मौज के लिए, और मम्मी शॉपिंग कर रही है पूरे मजे से, सूट लेके आ रहे भाई लगातार सूट बिक रहे बाजार के अंदर। अभी दिखाते हैं किसी ने जिसके दोनों हाथ कंप्लीट होंगे ना फिर उसकी मेहंदी दिखाते हैं चप्पल चोर है इधर भाई, इधर शक्ल नहीं दिखा रहा अभी, ये रोपड़ का चप्पल चोर है। देखो यार दिवाली के लिए कितनी बढ़िया सेलिब्रेशन के लिए सामान लगा रखा है। भैया आपका नाम क्या है एक बार बता दीजिए। वीनस। वाह जी वाह, वीनस से आए हो तभी इतनी अच्छी सजावट करके। देखो यार कितना बढ़िया बढ़िया डेकोरेशन वाला सामान है यार, मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि कल्याण के पास आओ और वहां से लेके जाओ यार गाइस। तो भाई यहाँ पे रवि है जो हमारा पूरा साथ देता है, छोटा सा बच्चा है, एक बार बोल दे हेलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब है। चलो चलते हैं भाई घर की तरफ, को मम्मी ने भी मेहंदी लगानी है तो वहीं दिखाएंगे, वहीं करेंगे कंटिन्यू ब्लॉग। तो भाई घर आ गया था, तो घर में भाई मेरी बहन लगा रही मम्मी के मेहंदी, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो मेरी सिस्टर खुशी रावत भाई यहाँ पे लगा रहे भाई, बहुत सुंदर मेहंदी लगा रही है। और मम्मी कैसे लग रहा है मेहंदी लगा के हैं, बाल तो दिखा दो एक बार अपने। अच्छा अच्छा खराब मत कर मेरे बाल, इतने अच्छे बाल, ज्यादा हीरो ही मत बनो, पैसे लगा रखे 5,000 रुपए। अच्छा चलो भाई ये सब तो पैसे मैंने ही लगाए हैं। और यहाँ पे देखो भाई अभी मेहंदी लग रही है बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों अगले साल से मेरी लड़की से ही मेहंदी लगाना खुशी जाओ से। फ्री लगाती है भाई, फ्री लगाती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस डॉलर लेती है, $500 लेगी। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। और यहाँ पे हमारा भाई है पूरे, भाई क्या चल रहा है, मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, वाह जी वाह भाई वाह। तो भाई ब्लॉग कैसा लगा कराटे वाला जरूर बताना भाई, अभी मेहंदी पूरी कंप्लीट होगी ना तब लास्ट में दिखाऊंगा आपको। और फिर है मुझे सजना है मुझे सजना के, इधर देख ए छपरी चुपचाप काम कर साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भाई प्रिंस भाई को घर छोड़ के आता हूँ, फिर देखते हैं इनकी मेहंदी का क्या बनता है, ठीक है। लगाते रहो भाई, ठीक है। सो गाइस आ गया था मैं प्रिंस को छोड़ के, और देखो मम्मी की मेहंदी होगी भाई पूरी कंप्लीट, एक साइड बैक कैम से दिखाता हूँ, ये देखो वाह जी वाह बड़ी मस्त लग रही है मेहंदी। और मम्मी ने पापा का नाम भी लिखा है भाई, कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा, ओहो नेहा और राकेश, और दिल भी बना रखा है, वाह जी वाह बहुत बढ़िया है। वाह देखो पहले बाकी बातें छोड़ो, है मोरनी बन रही है, मोरनी उड़ती भी ना मस्त गगन में, बढ़िया है बढ़िया यार। आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, मम्मी की लगी मेहंदी, अब कल करवा चौथा है, अब कल करेंगे पूरा शूट। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, आप सबने क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट्स, मिलते हैं।